अरब खबर महासमुंद से है, जहां पर नेशनल हाईवे 553 पर बेहद धीमी गति से हो रहा सड़क चौड़ीकरण अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। बंद रास्ता होने के कारण सड़क के दोनों तरफ की खुदाई और मलबे के ढेर के चलते वाहन चालकों की आवाजाही का रास्ता भी नहीं मिलता। सड़क में उड़ने वाली धूल के कारण लोगों का जीना मुहाल है। पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं धूल के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। जबकि सड़क निर्माण का काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अब लोग परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य में इतने अधिक दिन लगने हैं तो दोनों तरफ की खुदाई एक साथ क्यों की जा रही है, एक एक साइड से ही निर्माण होता तो परेशानी नहीं होती। वो नियमतः बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी अभी इन लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं अपने नगर पालिका के सुंदरता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कभी कहीं कहीं डस्ट जाम पड़ा है, गिट्टी कहीं जाम है, रास्ता कहीं और से डाइवर्ट हो गया है, रोड उबड़ खाबड़ हो गया है, इसमें चलने वाले को अपना असुविधा प्राप्त हो रहा है। व्यापक रूप से धांधली हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों का इसमें मिलीभगत है और इस कार्य में गंभीर अनियमितताएं हैं। इसमें एस्टिमेट के अनुसार 2 फीट का खुदाई होना चाहिए था, जबकि इसका अगर जांच किया जाए तो देखने को मिलेगा कि 1 फीट से ज्यादा खुदाई काम नहीं हो रहा है। यही कहूंगा, नेशनल हाईवे के इंजीनियर सतत निगाह लगाए हुए हैं, जहां किसी भी प्रकार की कोई वो सूचना मिलती है वो लोग तत्काल पहुंचते हैं और देखते हैं। और ठेकेदार को भी हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो हम लोग भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा आपका शिकायत। तो जरा जानकारी हमारे साथ हमारे संवाददाता महासमुंद से रेखराज साहू फोन लाइन जुड़ गए हैं। रेखराज, सड़क चौड़ीकरण का काम इतनी बेहद धीमी गति से क्यों हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि दोनों ओर से सड़क खोदी गई है, एक ओर से नहीं खोदते जिसके चलते आवागमन बाधित नहीं होता? जी, बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 353 में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है वो निश्चित ही यहाँ के जो है जनता बहुत परेशान है, क्योंकि कछुए गति से जो है कार्य नियमित रूप से चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 58,75,00,000 की लागत से खट्टी से नंदी बन रही है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पवन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर। आपसे जानना चाहेंगे जो सड़क चौड़ीकरण का काम महासमुंद में चल रहा है, इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है सर? हेलो जी पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है पवन जी। पवन जी, जो महासमुंद में चौड़ीकरण सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है जिसके चलते लोगों को परेशानी आ रही है? अब नहीं नहीं नहीं, इसके पहले धीमी गति से चल रही थी जी। हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा की है कि महासमुंद ने जो आपने घोषणा किया था सराईपाली में मेरे बीजेपी प्रवेश के समय, उसका काम 58,75,00,000 से जो चल रहा है वो बहुत धीमी है करके, फिर हमारे पूर्व सीएम ने एक्शन लिया नेशनल हाईवे वालों से, उसके बाद तत्काल काम चालू हुआ जो तेजी से अब चल रहा है। लेकिन सर, सड़क को तो दोनों तरफ से खोद दिया गया है, अगर एक तरफ से खोदते तो बगल वाले रास्ते से आवागमन बाधित नहीं होता, वाहन गुजरते रहते, आपने तो दोनों तरफ से सड़क खुदवा दी। नहीं नहीं, दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ को भरते जा रहे हैं, दूसरे तरफ को खोदते जा रहे हैं, एक तरफ को पहले भरे उसके बाद ही दूसरे तरफ को खोदे। कितने दिन में पूरा कार्य पूरा हो जाएगा जिसके चलते फिर लोगों को परेशानी ना हो? लगभग 1-1.5 महीना में काम कम्प्लीट हो जाएगा। हमने रोज वहाँ वॉच कर रहे हैं सुबह शाम और रात तक खड़े रहते हैं हम। चलिए, शुक्रिया पवन पटेल जी जानकारी को साझा करने के लिए। रेखराज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रेखराज बोल रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष की जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाएगा। जी, बताना चाहूंगा कि शहर का मुख्य मार्ग होने के कारण इस रास्ते पर सुबह से रात तक राहगीरों की भीड़ रहती है। स्कूल, कॉलेज और बाजार के साथ साथ कई सरकारी कार्यालय भी इसी पर मौजूद रहते हैं। राहगीरों का ये मानना है कि जो है पानी का छिड़काव जो है सुबह शाम को नहीं करते, जिसके कारण डस्ट जो है नियमित रूप से उड़ते रहते हैं, जिससे आंखों की बीमारी तक का ये लोग बता रहे हैं कि डॉक्टरी सलाह अगर ना लिया जाए तो आंखों की बीमारी जो है राहगीरों को और आम यात्रियों को लग सकती है। शुक्रिया रेखराज जानकारी को साझा करने के लिए।